हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पुरस्कार से संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं महा वीवीआई क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एक बार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, ब्यास सम्मान 2017 में किसे प्रदान किया गया? ब्यास सम्मान 2017 में किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। दोस्तों ममता कालिया को यानी कि ब्यास सम्मान दिया गया। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस बुक के लिए, किस बुक के प्रसिद्धि के लिए ममता कालिया को 2017 में ब्यास सम्मान दिया गया? तो उनका एक बुक था दुखम सुखम, इस बुक के प्रसिद्धि के लिए इन्हें 2017 में यानी ब्यास सम्मान प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पीएम कृष्णा को, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मनमोहन सिंह को। ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो थोड़ा सही से यानी कि ध्यान देकर यानी अपने नोटबुक में नोट कीजिए और याद कर लीजिए सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018। तो दोस्तों 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे यानी कि अवार्ड प्रदान किया गया, या सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? तो हिंदी मीडियम को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी मीडियम को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन को, उनका एक फिल्म आया था तुम्हारी सुलू, जिसके लिए अच्छे कार्य के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है इरफान खान को हिंदी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि बरेली की बर्फी में अच्छे निर्देश के लिए इन्हें यानी कि 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं प्रीतम, इन्हें जग्गा जासूस के लिए 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2017 महा वीवीआई टॉपिक, ICC अवार्ड 2017 में यानी कि क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों ICC अवार्ड 2017 में क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया, जो कि भारत का खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट ऑफ द ईयर या सर गोल्डफील्ड सोवर्स ट्रॉफी बोले तो विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। और ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों ODI क्रिकेट ऑफ द या वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो विराट कोहली को, जो कि भारत का खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, अमेजिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो दोस्तों अमेजिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर हसन अली को चुना गया है, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है। और एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, किसे यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, तो दोस्तों T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है किसे चुना गया है? तो युजवेंद्र चहल को, जो कि भारत का खिलाड़ी है। और नेक्स्ट है, 24वां क्रिस्टल अवार्ड 2018, तो दोस्तों 24वां क्रिस्टल अवार्ड यानी किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को क्रिस्टल अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। दोस्तों शाहरुख खान को 2018 में यानी क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया, जो कि 24वां क्रिस्टल अवार्ड है। और किस अभिनेत्री को 24वां क्रिस्टल अवार्ड 2018 में दिया गया? तो केट ब्लैंचेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अभिनेत्री हैं। और एटन जॉन, जो कि ब्रिटिश का गायक हैं, इन्हें भी गायक के लिए यानी अच्छे गायकी के लिए इन्हें 24वां क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है। और दोस्तों शाहरुख खान के अलावा भारत में और व्यक्ति हैं जिन्हें कि यानी क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि हैं अमिताभ बच्चन जी, AR रहमान, साबना आजमी, अमजद अली खान, ये सब शामिल है जिसे कि क्रिस्टल अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आशा भोसले को। और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, जनवरी में अशोक चक्र किन्हें प्रदान किया गया? जनवरी 2017 में यानी जनवरी 2018 में अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा ज्योति प्रकाश निराला जी को। दोस्तों ज्योति प्रकाश निराला जी को 26 जनवरी 2018 में अशोक चक्र प्रदान किया गया है।
तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का यानी कि उत्साहित करते हो आप लोग मुझे, तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।